नमस्कार न्यूज 18 महानगर सह मिति स्मृति स्वागत करुछि देखिबा संपूर्ण खबर। गंजाम जिला रे नियंत्रण को आसुछि कोरोना। जिले में दैनिक प्राय 10,000 टेस्टिंग होउतिले मध्य पॉजिटिव संख्या ह्रास पाइपरे लागिछि। सेपटे जिले में सुस्थ हार 87% को वृद्धि पाइछि। तेबे आसंता सोमवार ठारु सकाळ 5टा रु राति 8टा पर्यंत दुकान बजार खोला रहिबा सह सहरर समस्त सीमा को मध्य कटकणा मुक्त करा जिवो। गंजाम जिले हारुछि महामारी कोरोना। जिले में पूर्व मास तुलन में चलित मासरे आसी सुधार। गंजाम रे दैनिक 9-10 हजार टेस्टिंग होउछि। आउ दीर्घ दिन परे जिले में पॉजिटिव संख्या 200 तलकु खसीथिबा बेले आरोग्य हार 87% को वृद्धि पाइछि। सेपटे प्लाज्मा दिया जाइथिबा 42 जन रोगी स्वास्थ्यावस्था स्थिर रहिछि। एथिसह ब्रह्मपुर सहर रे भी कमिछि आक्रांत संख्या। एबे 2,496 आक्रांत मध्यरु केवल 315 जन चिकित्साधीन अछन्ति। एपरिक वर्तमान स्थिति को दृष्टि रखि आसंता सोमवार ठारु सकाळ 5 रु राति 8टा पर्यंत दुकान बजार खोला रखिबा सह सहरर समस्त सीमा को खोला जिवो। आमे पर डे 9000 रु अधिक टेस्ट करी छु। 9000 रु 10000 पर्यंत मे बी हमर नंबर ए 200 माइनस ही रहबार चांसेस अछि। मे बी प्लस हे पारे बट ताटू अधिक हेबो नहीं। यही हमर प्लेटू एक गोटे सप्ताह पर्यंत चलिबो। लार्ज गैदरिंग एंटरटेनमेंट प्लेसेस जेंती हमर पार्क हैला यही जेते समय हम फर्दर गवर्नमेंट को डायरेक्शन आसे बने से बंद रहेगा। यही छाड़ी की बाकी सबू जो एक्टिविटी अच्छी से हमर सोमवार और शुक्रवार से सकाले 5-8 पर्यंत चलिबो। हम यही जो रेस्ट्रिक्शन थिला बनमपुर रे एंट्री एग्जिट पाइन जो हम रखितेलु रेस्ट्रिक्शन से भी हम सोमवार और हटाए। ब्रह्मपुर सहर रे कोरोनार स्थिति को दृष्टि रखी बीएमसी नेथिबा पदक्षेप को स्वागत करिछंती सहरवासी। एभली समय सीमा वृद्धि द्वारा छोट व्यवसायी माने मध्ये उपकृत होई पारिबे। छोटिया मोटिया दुकान माने जो करुछंती गैरेज कोंतु कि पान दुकान कोंतु कि चा दुकान कोंतु जो मानंकर भी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब होईतिला से माने खुशीर लहरी खेलिछि। मार्च मास टू अगस्त मास 6 मास भीतर जदि आमे कंपेयर करिबा निश्चित भाबे लोकंक सचेतनता वृद्धि पाउछि। सचेतनता वृद्धि पाया फल रे वर्तमान स्थिति बन्द सुधुरुछि। ब्रह्मपुर रे बहु लोक कोरोना कटकणा को पालन करुथिया बेले किछि अमानिया नियम को मानु नाहंती। ब्रह्मपुर रो कैमरामैन प्रदीप्त परिछांक सह कैलाश बेहरा न्यूज 18 ओडिया। देशर अन्य राजधानी तुलना रे भुवनेश्वर सबुठो सुरक्षित शहर बोली कहिछंती बीएमसी कमिश्नर प्रेमचंद्र चौधरी। सेहिपरि अन्य राजधानी तुलना रे भुवनेश्वर रे भी संक्रमण हार कम रहिछे। राजधानी में बढ़ुवा संक्रमण को रोकने प्रशासन पक्षर् समस्त प्रकार व्यवस्था करसह आगामी एक मस आम समस्त गुरुत्वपूर्ण बोली बीएमसी कमिश्नर प्रेमचंद्र चौधरी। से खोर्धा समेत भुवनेश्वर से सुस्थ हार भी वृद्धि पाई जिलापाल सनत महांती। एपर्यंत 69% लोक कोरोन सुस्थ हो जिलापाल सूचना देते। सीरो सर्विलांस रे जो हमार एंटीबॉडी प्रेवेलेंस अच्छी से भुवनेश्वर अंचल रे आसी थिला 1.24% कि अमार सीरो सर्विलांस डेटा कहूँ कि भुवनेश्वर रे एबे एंटीबॉडी प्रेवेलेंस बहुत कम अच्छी। दैट मीन्स कि इन्फेक्शंस जत्ते कि अन्य महानगर अन्य कैपिटल सिटीज रे जत्ते कि अधिका हो जाए से तुलना रे एबे भी भुवनेश्वर बहुत कम इफेक्टेड अच्छी। वर्तमान सुधा अमर जिला रे अनेक विलेज प्राय 74% विलेज एबे भी आमर सुरक्षित अच्छा। विगत 14 दिन भितर कौन सी पॉजिटिव केस बाहर तेणु से आम कहूँ ग्रीन कैटेगरी विलेजेस। एवं जो आमर उद्देश्य रोचे जो वर्तमान रही बाकी रेड कैटेगरी विलेज जो गुड़ाक रही से गुड़ाक केमी आम ग्रीन कैटेगरी को आणबू से आमर फोकस। भुवनेश्वर में बढ़िपे लगी संक्रमण प्रतिदिन 300 उपरे आक्रांत सामना को आसुथिबारु बढ़िछि प्रशासन चिंता। गोटे पटे संक्रमण वृद्धि एवं अन्य पटे जीवन जीविका प्रभावित होउथिबारु एहाकु नियंत्रण आनिबा जरूरी होई पड़िछि। राज्य में चिंता बढ़ाउछि कोविड संक्रमण विशेषकर भुवनेश्वर में द्रुत हार में संक्रमण बढ़ुथिबारु बढ़िछि चिंता। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार राजधानी भुवनेश्वर एवं पलटि राज्यर अन्यतम कोविड हॉटस्पॉट। कारण गत किछि दिन धरी केवल भुवनेश्वर दैनिक 300 रु अधिक आक्रांत चिन्हट होती। द्रुत संक्रमण जोगु
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7000 ଟପିଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମଣ, ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲାପରେ କମିବ କରୋନା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ କରୋନା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଡ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନେ। କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଭିରୁଲେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆର ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ବି ଗବେଷଣା ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ପିକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ରେ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ସେପଟେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନ ଆଣିଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବ, ଲୋକେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ହରାଇବା ସହ ଅପରାଧ ବଢ଼ିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେବା, ପଜିଟିଭ ହେବା ଯେତିକି ଭୟ ନୁହେଁ, ସେତିକି ନିଜର ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ହରାଇବା, ନିଜର ବୃତ୍ତି ହରାଇବା, ସେତିକି ନିଜକୁ ଭୟାନ୍ୱିତ କରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ଲୋକେ ଯେପରି ନିଜର ବୃତ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ, ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେରୋ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା ନେଲା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ମୃତ ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ବେଦବ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷରୁ ଖସୁନି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାରରେ ଟପ୍ରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 2819 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1691 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଥିବାବେଳେ 1128 ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି। 2819 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 443 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 257, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 219, ଗଞ୍ଜାମରୁ 192, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 147, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 145, ବରଗଡ଼ 136, ଯାଜପୁର 120, ପୁରୀ 109, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 105 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 100, ମାଲକାନଗିରିରୁ 83, କୋରାପୁଟରୁ 81, ଭଦ୍ରକରୁ 77, ନୟାଗଡ଼ 64, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 63 ନମୁନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଗଜପତିରୁ 62 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 57, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 56, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 55 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 48, କନ୍ଧମାଳରୁ 44, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 43, ଅନୁଗୁଳ 23, ସୋନପୁର 14, କେନ୍ଦୁଝର 7, ବୌଦ୍ଧରୁ 6 ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 75,537 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50,503 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାବେଳେ 24,582 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ ଚୋରି କରି ପଳାଇବା ବେଳେ କଟକ ଓଏମ୍ପି ଛକରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଗୁଙ୍ଗା ଓରଫ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଗୁଙ୍ଗାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବସ୍ ଚୋରି ନେଇ ଖବର ପାଇବାର ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚୋରି କଟକରେ ପଡ଼ିଲା ଧରା। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଲୁଟି କଟକ ଅଭିମୁଖେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିଛା କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବସ୍ଟି ଓଏମ୍ପି ଛକରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଧକ୍କା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ଭିତରୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ଚାଳକକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଜୁବ, କାରଣ ବସ୍ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳାଉଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଥିଲେ ତ୍ରିତୋଲ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓରଫ୍ ଗୁଙ୍ଗା। କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଓ ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ଗୁଙ୍ଗାକୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଥର ବସ୍ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଆମେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକି ଆମକୁ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଗ ପଛ ବେଲୁନି, ଫେର ଟିକେ ଜାର୍କିନ ହେଲା ମାନେ ଟେକିବ କଚାଡ଼ି ଦେବ, ଫେର ସେମିତି କେମିତି ନେଇକି ଆସିଲା ଆମେ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। କେବଳ ଆମକୁ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପାଇଛୁ, ଯାହା ଗାଡ଼ି ତ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଯେ
आमे तांगो पुलिस को बहुत धन्यवाद जणाउछु जे जाहो से एटाकु रिकवरी करि पारछन्ते एते शीघ्र। बस को धरिबा पई मात्र 6 मिनिट मध्यरे अलर्ट मोड को चली आसला पूरा कमिशनरेट पुलिस। जातीय राजपथ कडरे थिबा पुलिस रो समस्त 4टी थाना सह ट्राफिक कंट्रोल रूम मध्य सतर्क हो उठिला। प्रतापनगरी ठारु बस को पीछा करबा आरंभ कर दिला सदर थाना पिसिया। यहाँ सह बस को अटकाइबा पई मधुपाटना छक, ओमपी छक, शिखरपुर छक एवं जगतपुर गोलई छक रे रास्ता को ब्लॉक करा दिला। आउ चाउड़ियागंज पुलिस रो ब्लॉकिंग रे पड़ितला धरा। से पूरा ट्रेसिटी रा एक्शन अछि और दुटा जक डिस्ट्रिक्ट बल कोऑर्डिनेशन करै छथि जे फल रे हमर लोकंकर जीवन बंची पारि छि। भल कोऑर्डिनेशन हे छि और मु आशा करू छि हमर विश्वास छि इंति कोऑपरेशन चलिबो। अभियुक्त गुंगा को प्राथमिक चिकित्सा परे गाड़ी चोरी मामला रुजु होइतबा खंडगिरी थाना को हस्तांतर करा जाय छि। चोरी उद्देश्य रे नुहे बरं एभली चंचकता करी बस चलाइबा एवं तेल सरीगले बस को रास्ता कडरे छाड़ी चली आसीबा गुंगार निशा बोली पुलिस कहिछि। गाड़ी चोरी हेबा एवं चोरा गाड़ी को पुलिस उद्धार करिबा घटना किछि नुआ नुहे, किंतु जेउ ढंगरे ए बस टी चोरी हला एवं बस टी को उद्धार करिबा पछरे पुलिस रो जो बढ़िया भाबरे उद्यम रहला ताहा निश्चित भाबे नुआ। कटक रु कैमरा पर्सन दिवेंदु मिश्र का सह नवेश महंती न्यूज 18 ओडिया। सेप्टेम्बर रे हेबो जेई मेन ओ नीट परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए रो विज्ञप्ति परे छात्र छात्री ओ अभिभावकक महल रे मिश्र प्रतिक्रिया। कोरोना काल रे केमिति देबे परीक्षा चिंता रे छात्र छात्री ओ अभिभावक। शिक्षाविद कहिले राज्य सरकार सहाय्य करंतु। सेप्टेम्बर 1 रु 6 तारीख मध्ये हेबो सर्वभारतीय इंजीनियरिंग प्रवेशिका परीक्षा जेई मेन। सेप्टेम्बर 13 रे हेबो मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा बा नीट। परीक्षा पाई सारा देश 858,273 जन छात्र छात्री पंजीकरण करथिबा बेले 661,991 जन छात्र छात्री निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सारिछंती। सेहिपरि नीट परीक्षा पाई 1,597,433 जन पंजीकरण करछंती। खूब शीघ्र एडमिट कार्ड वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो। शिक्षाविद कहिछंती जातीय स्तर रे परीक्षा पाई ओडिसा रु प्रतिवर्ष 40,000 रु अधिक पिला परीक्षा देथांती। कोरोना बेले पिला माने किभलि सुरक्षित भाबे परीक्षा देबे तेनी सरकार व्यवस्था करिबा दरकार। टाइम बाउंड करि दैछनि 1 रु 6 भीतर सेप्टेम्बर 6 तारिख भीतर परीक्षा सरिबो। एटा आउ टिके एक्सटेंड कले भलो होनता काहे कि ना सबु पिला सबु समय रे सुविधा पाई परिबे कि नाही ता डाउटफुल अछि। राज्य सरकार होनतु केंद्र सरकार होनतु ओ जे कोनोसी एजेंसी हो से तार पिला मानक सुरक्षा आगो लाइफ टक देखि कि तापर टेस्ट करिबा करे एग्जामिनेशन करिबा कथा। परीक्षा पई अधिक केंद्र रे व्यवस्था करा जीव सह परीक्षा पूर्वरु ओ परे संपूर्ण केंद्र को सैनिटाइज करा जीव बोली कहिछि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए। केंद्र रे परीक्षार्थी को मास्क ओ ग्लोव्स दिया जीव। यहा सह सब स्थान रे सैनिटाइजर रहिबो। ए सब कटकणा भितरे छात्र छात्री ओ अभिभावकक महल रे मिश्र प्रतिक्रिया देखिबा मिलिछि। सुरक्षा तथा भविष्य को दृष्टि रखि यदि सरकार कोविड रा समस्त नियम यथा प्रॉपर सैनिटाइजेशन मास्क यूज करबा एवं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी यदि परीक्षा आयोजित करि पारले तबे छात्र छात्री माने उपकृत हेबे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को तो अवमानना करा जाई परिबने, किंतु राज्य रे जो प्रकार कोरोना रो प्रकोप बढ़ी चले छे सेई परिस्थिति रे पिलां को बाहर को पठेबा को भी डर लागछि। से सब को दृष्टि रे रखे यदि एग्जाम करा जाए ताहले समस्त अभिभावक उपकृत हो। कोरोना परिस्थिति जो परीक्षा टी लेट हेलाणी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को तो आमे सम्मान करूछु। कोरोना परिस्थिति रे केमिति पिला माने सुरक्षित भाबे परीक्षा टी देई परिबे सेति पै मोर सरकारक निकट रे अनुरोध। राज्य रे किभली छात्र छात्री परीक्षा देबे तेनी राज्य सरकारक सहाय्य लोडिछि एनटीए। आइनगत श्रृंखला विद्युत सुविधा छात्र छात्रीक गमनागमन परीक्षा केंद्र बाहर भिड़ नियंत्रण पर मुख्य शासन सचिव डीजीपी और एसपी को चिठी लिखा जाई। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रशांत पात्र निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया। भुवनेश्वर 295 कोरोना आक्रांत चिन्हट, 158 सुस्थ होता बेले क्वारेटाइन 153 और स्थानीय अंचल 142 पॉजिटिव चिन्हट होती। दिनक भुवनेश्वर 4 मृत होता बेले 42 पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव चिन्हट होती। भुवनेश्वर कोरोना पॉजिटिव संख्या 7015 को वृद्धि पाई। मोट 7015 पॉजिटिव 33 जन मृत्यु हो 4219 सुस्थ और 2754 चिकित्साधीन अच्छा।
चंदगार एक बिस्कुट कारखानु 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। चंद्रशेखरपुर 9, रसुलगढ़ 7, यूनिट 8 4 पॉजिटिव चिन्हट होती। भुवनेश्वर आउ 295 कोरोना आक्रांत चिन्हट, 158 सुस्थ होती। क्वारेटाइन 153 और स्थानीय अंचल 142 पॉजिटिव चिन्हट होती। दिनकरे भुवनेश्वर 4 जन मृत्यु हो 42 पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव होती। भुवनेश्वर कोरोना पॉजिटिव संख्या 7015 को वृद्धि पाई। मोट 7015 पॉजिटिव 33 जन मृत्यु हो सविशेष सूचना पर आम प्रतिनिधि अजेश मलिक। अजेश, दिनक दिन भुवनेश्वर में कोरोना आक्रांत संख्या वृद्धि पाई। पूर्व जी देखा आलुगदम मटाकोलर चिन्हट होते वर्तमान बिस्कुट कारखानु पॉजिटिव चिन्हट होती। सविशेष सूचना कौन रोच निश्चित भी देखो जो भाव खोर्धा जिला बर्तमान गोटे चिंता बढ़ाई से क्रम में भुवनेश्वर जदि कह सिंहभाग आसू भुवनेश्वर अर्थात सिटी अंचल सहरांचल अधिक आसू आप देखु आज जितने भुवनेश्वर सर्वाधिक रही सही क्रम जो देखिए खोर्धा जिला सर्वाधिक रही भुवनेश्वर से 295 आसी क्यों कहते हैं देखो जो 153 जन रही क्वारेटाइन सेन्टर रु 142 रही लोकाल केस कि सब बड़ कथा हूँ पूर्व जितने लोकाल केस भितर जो आलु गदी कथा कहतु जो अटाकल आज जो एम्प्लॉय मैंने विशेषकर जितने अटाकल कर्मचारी मैंने पॉजिटिव होते जहाँकि चिंता बढ़ाई है कि आज जो केस आता गोटे चिंता कला भाई घटना देखो पुलिस विंग रर्तमान 32 केस आ पुलिस विंग रु एवं आउ जो बिस्कुट फैक्ट्री में प्राय 28 जन बाहर जहाँकि गोटे एटा बड़ चिंता कला भाई विषय कारण देखो एम संस्पर्श से अनेक लोक आसी अनेक कर्मचारी मतलब बिस्कुट फैक्ट्री कर्मचारी कथ कहत कि पुलिस कथ कहत संस्पर्श अनेक व्यक्ति आसी तेणु निश्चित एटा गोटे से कंटाक्ट ट्रेसिंग करवा निश्चित भाव प्रशासन पर स्थानीय बीएमसी पर निश्चित गोटे बड़ चैलेंज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजेश आप समस्त ताजा सूचना पे अजेश मल्लिक सबसे सूचना देते भुवनेश्वर 295 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती 158 सुस्थ होता बेले क्वारेटाइन 153 और स्थानीय अंचल 142 पॉजिटिव चिन्हट होती। दिनकरे भुवनेश्वर 4 जन मृत्यु होती 42 पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव चिन्हट होती। भुवनेश्वर कोरोना पॉजिटिव संख्या 7015 को वृद्धि पाई। मोट 7015 पॉजिटिव 33 जन मृत्यु होती 4219 सुस्थ और 2754 चिकित्साधीन अच्छा। कोविड पाई गणेश पूजा फिका सार्वजनीन पूजा पाई अनुमति न मिलिबारु खां खां पूजा मंडप और स्कूल परिसर केवल विधि रक्षा करी विभिन्न स्थान रे निराडंबर भावे गणेश पूजा करा जाय छे। ना अछि उत्साह ना उन्मादना कोरोना पाई फिका पड़ी गणेश पूजा केवल विधि रक्षा पाई होई पूजा अर्चना पूजा मंडप रे सार्वजनीन पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम उपरे कटकणा जोगु राजधानी रे फीका पड़ी पूजा परिवेश खां खां पूजा मंडप गणेश पूजा को नेई बड़ आयोजन करथुबा संगठन हात गणति लोकंकु नेई करिछंती पूजा बस्ती अंचल रे भी कोविड कटकणा भितरे होईछि पूजा बर्तमान तो गवर्नमेंट नियम अनुसार आम तो किसी करें जहाँ भी आम ठाकुर प्रति श्रद्धा रही जहाँ ठाकुर को सम्मान देवा निहाती भी दरकार से आम कर्तव्य कर बहुत कम संख्यक लोक एठारे जिमिति हो आमे कामटी को सुचारू रूपे करी कोरोना महामारी रो दुर्भाग्य रु आमे समस्ते प्रभावित होइचे किंतु आमे सरकारंकर संपूर्ण नियम मानिकी जेहेतु गणेश पूजा आमर प्रतिवर्ष एठी हुए आमे ए वर्ष समस्त निष्ठार सहित आमे गणेश पूजा पालन करिछु। राजधानी रो सब स्कूल कॉलेज भी सुनसान छात्र छात्रि को अनुपस्थिति रे हात गणति शिक्षक शिक्षयित्री करिछंती पूजा अर्चना ए हेउछि यूनिटी 8 सरस्वती शिशु मंदिर रो दृश्य पूजा को नै ना एठी अछि तत्परता ना पिलांक गहळी छात्र छात्रिंक बिना पूजा जेमिति खाली खाली लागुछि बोले कहिछन्ति गुरुजी गुरुमा सेपडे बडगड शिशु मंदिर रे ऑनलाइन रे पुष्पांजलि देइछन्ति छात्र छात्री। आमर गोटे बहुत बड़ कार्यक्रम हुए जोड़ा कि अर्चना कार्यक्रम सारा ओडिशा रे गोटे नंबर वन कार्यक्रम हुए आमर सीजा आज पिलामानक नै करि परुनु सेतिपई केवल गणनाथंकर आज जेतु पूजन उत्सव तेणु गणनाथ आमे आज पूजा करिबु अल्प संख्यार रही 5-7 जन गुरुजी गुरुमा को नहीं करी आमे पूजा अनुष्ठान करूचु जो अनुष्ठान को छात्र छात्री माने घरे रही से माने तंकर लाइव क्लास माध्यम रे से पूजा को देखि परचंती। गणेश पूजा सह आरंभ होई थाए पार्वण ऋतु मासक आगरो पूजा को नै गळी कंदिरे चली थाए आयोजन
କେଉଁଠି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସାଜସଜାକୁ ନେଇ ଚାଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ହେଲେ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଅଳ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପାଣିପାଗ ଖବର ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ। 24 ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 25-27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 50% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। अगला 24 घंटा में अभी मॉनसून ट्रॉप नॉर्मल पोजीशन में है और इसका स्ट्रेंथ भी स्वाभाविक ही है, तो इसका प्रभाव में हमारा नॉर्थ उड़ीसा और साउथ कोस्टल उड़ीसा का कोस्टल उड़ीसा नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में मीन्स कोई स्थान पर हल्का से मध्यम बारिश होगा। साउथ इंटीरियर में थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम रहेगा, उसमें फ्यू प्लेसेस में रहेगा। और एक तो जगह में हैवी हो सकता है कुछ जिला में, जैसा केवंझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अंगुल, ढेंकनाल, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। समय सारी चीज न्यूज़ 18 मानकर को एक रखिएगा।